प्रदेश में भाजपा के सरकार बने के बाद ले लगातार राजनीतिक उठापटक के दौर जारी है। ये क्रम में अब राजनांदगांव जिला के डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद में भी अध्यक्ष पद में आसीन कांग्रेस के सुदेश मेश्राम के खिलाफ भाजपा पार्षद मन मोर्चा खोल दिए हैं और अविश्वास प्रस्ताव पर कुल 14 पार्षद मन हस्ताक्षर कर लिखित आवेदन जिला कलेक्टर ले भेजे हैं। आप मैं बता दें कि 24 वार्ड के ए नगर पालिका परिषद के पिछले दिनों दो निर्दलीय पार्षद मन भाजपा प्रवेश करे रही है, जेकर बाद ले ही एक कयास लगाए जात है कि भाजपा अध्यक्ष पद में अपन अध्यक्ष ल बैठाए की तैयारी में जुट गए है। भाजपा पार्षद मन के हस्ताक्षर पर आवेदन ल लेके कलेक्टर ह मुख्य नगर पालिका अधिकारी डोंगरगढ़ ल हस्ताक्षर जाँच कर पुष्टि भर भेजे है, जेकर बाद ले अब यह अनुमान लगाया जाते कि वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष सुदेश मेश्राम के कुर्सी कभी भी जा सकते। अभी दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षद दल ने माननीय कलेक्टर महोदय से मिलकर नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया है, जो कि प्रोसीजर में है। और मेरा मानना यह है कि नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुदेश मेश्राम जी अपना बहुमत नगर पालिका में खो चुके हैं। आज 24 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के 14 पार्षद हैं। इस कायदे से नगर पालिका में अधिकार भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है, तो हमारा अध्यक्ष उसमें काबिज होना चाहिए। और रही बात सुदेश मेश्राम जी की, तो आज 4.5 साल के लगभग उनका कार्यकाल हो चुका है, जिसमें सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा नगर पालिका की कोई भी गतिविधि नगर में नजर नहीं आती है। शहर के भाजपा अध्यक्ष अमित जैन बताए है कि नैतिकता के आधार में अब भाजपा के परिषद नगर पालिका परिषद में बहुमत है और पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष सुदेश मेश्राम है केवल भ्रष्टाचार करे है। एकरे बार अब ओल खुद अपन इस्तीफा देना चाहते। उन्हें नगर पालिका अध्यक्ष सुदेश मेश्राम के कहना है कि शहर के जनता जाना थे कि वह कितना विकास कार्य कराए या नहीं कराए हैं, उन्हें ओमन भ्रष्टाचार के आरोप लभी वह नकार दिए हैं। हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का लेटर कलेक्टर साहब को लिखा था, तो वहाँ से लेटर आया था, तो आज साइन प्रूफ का प्रक्रिया हुआ है। भ्रष्टाचार का आरोप मुझ पर लगा है, ये तो डोंगरगढ़ की जनता जानती है कि मैंने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं। मैंने डोंगरगढ़ के लिए चहुमुखी विकास किया है, चाहे जिस वार्ड से दो पार्षद, वार्ड नंबर 11 से उपाध्यक्ष उमा महेश वर्मा जी और वार्ड नंबर 8 से अलका जयस सहारे, इन्होंने निर्दलीय पार्षद थे पहले, अब बीजेपी का दामन संभाला है। वो खुद जाके अपने वार्ड में देखे, करोड़ों का काम उनके वार्ड में किया गया है और पूरे शहर में मैंने चौमुखी विकास किया है और लगातार अपने प्रयास से, चाहे रोड हो चाहे स्टेडियम हो, हर प्रकार से मैंने काम किया है और डोंगरगढ़ की जनता जानती कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ कि नहीं। बहरहाल ये प्रचंड गर्मी में भाजपा के 14 पार्षद मन के हस्ताक्षर किए लेटर धर्म नगरी डोंगरगढ़ के राजनीतिक पारा ला अब बढ़ा दिए है। नगरी निकाय चुनाव पर अब भी महज कुछ ही महीना बचे है और ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव के पास होए के बाद जिला प्रशासन नगर पालिका के संचालन पर प्रशासक नियुक्त करत है या अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुआ थे, ये तो आने वाला समय ही तय करी। राजनांदगांव शशांक उपाध्याय की खास रिपोर्ट।